ठीक है, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द माइक चैनल जर्नी ऑफ ड्राइवर। फिर से आपको स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्त पंकज। हम अभी निकल चुके हैं मैच कुछ और सुबह के 6 बज रहे हैं। 15 दिन का कल यात्रा था, इसलिए थक जता गए थे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लेट तक सोए रह गए। और अंधेरे में निकलने से कोई फ़ायदा है नहीं, इसमें चलना पड़ता है, इसीलिए अभी जस्ट निकले हुए हैं। और ये देख लीजिए, अभी हम मैच कुछ जस्ट निकले हुए हैं चौक से। धीरे आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं आज कहाँ तक कवर कर पाते हैं, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही हुई है। अभी 600 किलोमीटर प्लस और चलना है हमको। तो हे गाइस, जब चल चल रहे हम लगभग चुकती आ चुके हैं, चुकती है नहीं, हाँ भैया चुकती में ही हैं। और भैया हम इसलिए कर रहते हैं, भैया हमको देखकर रोके, अच्छा लगा आदमी, तो रास्ते में कोऑपरेट भी करता। अभी अपना नाम बताइए। तब मेरा नाम मंजीत कुमार, घर चुकती, जिला खगड़िया। अब हम खगड़िया जिला में ही घूम रहे हैं, हमको लगता है आज तक खगड़िया जिला में ही रहेंगे, हो सकता है कल बेगूसराय इंटर करेंगे। देखते हैं, कोशिश करते हैं कहाँ तक चल पाते हैं, क्योंकि आज सुबह 6 बजे ही निकले हैं। देखते हैं अभी तक में कितना कवर होता है। जय श्री राम। तो हाय गाइस, चलिए हम आ चुके हैं खगड़िया के पास। अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ की सेट में और देख लीजिए यहाँ का इतना अच्छा लोकेशन लगा हमको। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, हरा भरा एकदम। हम भी कुछ देर यहाँ रुक के रिलैक्स कर लेते, अपने आप को रिलैक्स फील करने लगे। और ये रहा मेरा भगवा रंग का दिया के दिया। अभी कहने से 31 के पास हैं और आगे का और बढ़ेंगे। और मौसम धूप भी निकलने लगा है, बहुत ज़बरदस्त है। तो फिर से अपने ट्रैवलिंग यहाँ से आगे शुरू करते हैं, निकलते हैं अब खगड़िया की और देखते हैं आज कहाँ तक कर पाते हैं कवर, क्योंकि अभी तो समय का हमको लगता है 10 के अप्रोक्स हो चुका होगा, 10:34 हो गए हैं, हो चुका है अब तक में टाइम। और अब निकलते हैं अब आगे की और देख लीजिए, बगल में उधर रेलवे स्टेशन आपका पड़ेगा यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर। जय श्री राम दोस्तों, अभी चलते चलते हम आज गए खगड़िया। और भैया लोग रास्ते में देखे हुए थे, भैया आगे बढ़ के मेरे लिए पानी का बोतल और मजा स्प्राइट का व्यवस्था करके रखे हुए थे, अच्छा लगा। भैया मेरे लिए वेट भी किए, इसके लगभग 10-15 मिनट हमको लगता है 10 मिनट हो गया होगा मिले हुए। और भैया आपसे मिलवा देता आपको, अभी हम खगड़िया में घूम रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम भैया भागलपुर से आ रहे हैं। अयोध्या अयोध्या दे रहे हैं पैदल। चलिए हम लोग के लिए भी कुछ भगवान राम से मांग लीजिएगा। तो अभी चलते चलते हम खगड़िया पार कर चुके हैं और अभी हम खगड़िया मार्केट से ही निकले हुए हैं बस स्टैंड से। और अभी ये एक अनिया जगह का नाम है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, हम भी देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे। अभी समय का फिल्म बोला तो 12 बजा हुआ है और देखते हैं कितने जल्दी कहाँ तक पहुँच पाते हैं। मौसम थोड़ा ढका हुआ है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। जय श्री राम दोस्तों, चलते चलते खगड़िया पार कर चुके हैं और बेगूसराय जिला में भी इंटर कर चुके हैं। और अभी समय के लगभग 4 बजे हुए हैं और हमको लगभग 4 घंटा और चलना होगा। तो हम यानी जहाँ रहने का व्यवस्था किया गया है, मेरा एक भैया हैं जिनका नाम है निधन, और वो मेरे रहने का व्यवस्था कर दिए हैं। हमको जाना पड़ेगा लक्ष्मीनिया और अभी हम हैं शाहपुर कमाल में आपका। और ये रहा 4-लेन रोड, देख लीजिए धूप अभी भी काफ़ी तेज़ है। और धीरे धीरे हम भी मज़े से चल रहे हैं, प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए, जय श्री राम करते हुए मज़े से चल रहे हैं। हम भी देखते हैं आज कवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं डिस्टेंस।
अभी चलते चलते शाहपुर कमल से भी अभी पीछे हैं लगभग। आज मैं स्कूट से ही निकले हुए थे और शाम होने को है। आप देख सकते हैं सूरज भी अपने अंतिम चरण पे है और ढलने वाला है, और हम इस ओर बेगूसराय की ओर अभी बढ़ते जा रहे हैं। एक भैया से बात हुई थी रहने के लिए, देखते हैं कितना दूर है। चल रहे अभी मजे से, जय श्री राम करते हुए। जय श्री राम। गर्मी से हाल भी पूरा है और इस बार मेरे बैग में काफ़ी ज़्यादा वेट हो गया है। पेड़ पौधा घास फूस गेहूं का खेती जबरदस्त है। उसके भी और पटा वही लगी है। तो हे गाइस, अभी हम आज के पूरा के पकुरा है और अभी हम साईपुर कमाल अभी हम आगे और बढ़ना है। अभी भैया लोगों को मिले पानी का बोतल देख लीजिए, मजा ऊपर से दे रहे हैं। क्या करे, कितना वजन ले पाए, मेरे बैग तो अपने फुल ऑटोमेटिक पूरा फुल है। सही रहेगा। और भैया लोग देख लीजिए कोऑपरेट करते हैं रास्ते में, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ही परेशान मत होइए। और मजे से हम लोग भी जा रहे हैं। हेलो, जय घोष करते हुए श्री राम का। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। देख लीजिए भैया लोग भी तकलीफ कर रहे हैं मेरे साथ, जा रहे हैं हम जा रहे हैं इनके साथ में। देखते हैं भैया कहाँ तक हमको आगे छोड़ते हैं अभी साथ में। और चल रहे हैं मजे से हम लोग भी, काम होने को आई है अभी। हम भागलपुर से निकले हैं भैया, भागलपुर से अयोध्या तक जाना हमको पैदल। जी सर, अकेले हैं भैया? नहीं, अकेले हैं। ठीक भैया, बेचारा जा रहे अपन। जय श्री राम। अभी हम ठट्ठा के आसपास हैं, ठट्ठा में ही रुके हैं और भैया हमको बुलाए हुए थे, तो भैया से परिचय भी हुए। भैया यहीं के रहने वाले हैं। भैया अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम हुआ ललित कुमार मिश्रा। भैया जी का नाम ललित कुमार मिश्रा जी, और भैया हमको चाय का भी ऑफर किए हुए। और मेरा ये देख ले सकते हैं, मेरा बैग काफ़ी वेट है इस बार, क्योंकि अकेले चल रहे हैं इस वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही है। और ये जस्ट सामने में मंदिर है, भैया लोग बैठे हुए, और अभी हम चाय की दुकान पर ही बैठे हुए हैं और भैया हमको चाय का ऑफर किए हुए हैं। चाय पियेंगे उसके बाद फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आज देखते हैं कहाँ तक कवर कर पाते हैं, पता नहीं, वो तो श्री राम की इच्छा के ऊपर निर्भर है जहाँ तक वो लेकर जाए आज। हे गायक, जय श्री राम। भैया मैं स्कूट में ही देखे हुए थे, देखिए अगर भैया से मिलना इतफाक था या प्रभु श्री राम का इच्छा था, पता नहीं, हम नहीं जानते हैं। ठीक है, और भैया वापस बेगूसराय से वापस आ रहे हैं और अभी हम बेगूसराय जिला में ही घूम रहे हैं। भैया हमको सुबह मैं खगड़िया के आसपास देखे हुए थे और भैया हमको रोके, हमको भी अच्छा लगा और गर्व भी होता है। हम अच्छे काम के लिए भी निकले हुए हैं, सनातन के प्रचार के लिए निकले हुए हैं, तो आप लोग भी जुड़िए मेरे साथ इस मुहिम में। बिल्कुल, इनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये खुशी की बात है कि हमारे बिहार के लाल है, सबसे बड़ी बात। और दूसरा कि सनातन के लिए इन्होंने कुछ ना सोचा ना समझा और बिना कुछ सोचे बिना पैसे के पद यात्रा पे निकल गए। तो बिल्कुल आप लोगों से ये भी करेंगे कि प्रभु श्री राम की आशा इन पे क्या बोलते हैं बनी रहे, बिल्कुल बनी रहे, बस इतना ही कहना। और आपको तो पता है जो भी मेरे पास अर्निंग आता मैं अपने लिए उपयोग नहीं करता, वो लंगर सेवा में या किसी गरीब को उत्थान के लिए मैं यूज करता हूँ। और इस बार भी वही करूँगा, जितना मेरे पास अर्निंग भी होगा, जो भी आ रहा है मेरे पास, डोनेशन भी आ रहा है, जिस रूप में सहायता हो रहा है हमको, वो सारा हम लंगर में या किसी गरीब की शादी उदी में हम दे के दान कर देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।